सो आप भी चाहते हैं ये हेल्दी टेस्टी एसिडिटी फ्री टी बनाना? मैंने इस वीडियो में पूरी एक रेसिपी दी है, बना के दिखाया है कि कैसे आप ये हेल्दी ड्रिंक बना सकते हैं, हमें क्यों हनी प्रेफर करना चाहिए रेदर देन शुगर, हमें कौन से वेसल में कौन से बर्तन में चाय बनानी चाहिए, हमें कैसे चाय बनानी चाहिए, मैंने इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया है। अगर आपको चाय एडिक्शन है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये हेल्दी है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा है, ये एसिडिटी फ्री है, ये बहुत सारी डिजीज को दूर रखती है, एंड दिस इज अमेजिंग, दिस टेस्ट अमेजिंग, एंड दिस इज विदाउट शुगर, इसमें हनी डाला है और ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। आई एम एंजॉइंग माई टी, सो यू शुड ट्राई। आप इस रेसिपी को देखिए कम्प्लीट एंड जरूर ट्राई करें। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये कैसी लगी। सो स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। हमने एक कप में लिया है पानी, फिल्टर्ड वाटर, एंड दूसरे में हमने लिया है बॉइल्ड मिल्क, शहद लिया है झंडू का, इलायची पाउडर, शुगर, इसमें मैं आपको दो वे से बताऊंगी जो हम नॉर्मली बनाते हैं एंड जैसे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग करेक्ट वे ऑफ टू मेकिंग अ टी है, तो मैं दोनों तरह से बताऊंगी। हम दोनों ही बर्तनों में पानी डाल लेंगे। वैसे अगर हमें एक कप चाय बनानी है तो हमें आधा आधा कप पानी चाहिए, तो मैं दोनों को आधा आधा कर लूंगी। एंड रिमेम्बर, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ मैं, ऑलवेज यूज दीज टाइप ऑफ स्टील बर्तन। स्टील बर्तन हमेशा यूज करें, एल्यूमिनियम कभी भी यूज ना करें। आप कभी भी एल्यूमिनियम बर्तन लेते हैं तो कुछ टाइम बाद देखेंगे कि उसका वेट जो पहले आया था और जो अब है दोनों में डिफरेंस आएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम धीरे धीरे करके आपके खाने में, आपकी चाय में, आपकी चीज़ों में, दूध में मिक्स होना शुरू हो जाता है, मिक्स होता रहता है और वो आपकी बॉडी में जाता है। तो बेटर होगा कि आप इसको ना यूज़ करके इसको यूज़ करें। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम एक में चीनी चाय पत्ती, जो आप रेगुलर बनाते हैं वो मैं इसमें बना रही हूँ, जो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बनाते हैं वो मैं इसमें बना रही हूँ। तो चीनी चाय पत्ती जो आप डालते ही हैं वो मैं डाल रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सिम करूँगी। यूजुअली लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पीना पसंद करते हैं, स्ट्रॉन्ग टी मीन्स मोर कैफीन, तो आप थोड़ा अवॉइड किया करें। मैंने उतनी ही डाली है एंड आई विल शो यू द डिफरेंस। एंड चीनी, ये रहा मेरा मिक्सचर एंड ये पकने के लिए रेडी है, पक रहा है वो। तब तक हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। एंड इलायची पाउडर मैं दोनों में ही डाल रही हूँ, ठीक है। वो पकनी भी शुरू हो गई है और ये अभी अपने स्टार्टिंग पे ही है एंड मैंने इसकी भी फ्लेम तेज कर दी है। अब लेट्स वेट। उसमें दूध डालने का टाइम हो गया है तो हम दूध डालेंगे, थोड़ा वेट करते हैं फॉर
2 to 3 minutes more. I will tell you the difference. Why honey and not sugar? दोनों में difference क्या है और क्यों हमें honey prefer करना चाहिए than sugar? हनी में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे, ये जब ब्रेक डाउन होती है तो ये आपकी हेल्थ को एक बेनिफिशियल रिक्वायरमेंट ही प्रोवाइड करता है। बट अगर हम शुगर को देखें तो शुगर जब ब्रेक डाउन होती है, लाइक वो अभी ब्रेक डाउन हो चुकी है, तो शुगर जब ब्रेक डाउन होती है तो वो एक केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है, तो वही केमिकल हम पीते हैं और उसकी वजह से हमारी एसिडिटी जो है वो बढ़ती है। तो हमें ट्राई करना है कि हम शुगर ना प्रेफर करके हनी पे जाएं। एंड दोनों ही बॉयल हो रहे हैं, ये भी अपनी बॉइलिंग पे ही है, इसको मैं थोड़ा सिम कर दूंगी एंड इसमें हम डाल देंगे दूध। लेट इट बॉइल, वो अपनी ऑन फ्लेम पे ही है एंड वो बन रहा है, कुक हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं एंड इसके लिए भी हम दूध रेडी कर लेते हैं। इसमें हमने शुगर नहीं डाली है, आधा कप दूध, थोड़ा सा दूध गिर गया है एंड वेट फॉर इट, थोड़ा सा कुक हो जाइए। सी, यू कैन सी ये हल्का हल्का बॉयल हो रहा है, हमें इसे ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। एंड देखिए वो पक चुकी है एंड इसको हम कर देंगे बंद एंड इसमें डाल देंगे हम दूध एंड इसको हमने कवर कर दिया एक प्लेट से, दूध डाला है एंड प्लेट से कवर कर दिया है एंड वो अभी भी सिम पे पक रही है एंड आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ इट्स फ्लेम। ये देखिए ये बन चुकी है, ये देखिए बन चुकी है एंड ये अपने अभी सेल्फ कुकिंग पे ही है। ये प्लेट बहुत गर्म हो गई है, ठीक है, ये बन रही है। तो जब तक हम इसको निकाल लेते हैं, एंड ये भी ऑलमोस्ट रेडी है, हम वेट करेंगे टू टू थ्री मिनट्स मोर। इफ यू वांट कि ये थोड़ा जल्दी बन जाए तो आप फॉर अ मिनट इसको फ्लेम ऑन कर सकते हैं एंड अ मिनट बस, उसके बाद आपको इसको टर्न ऑफ करना होगा एंड देन ऐसे ही कवर करके रखना होगा कि ये अपनी स्टीम से ही बने। और जो इसका फ्लेवर होगा और जो इसका फ्लेवर आया है, जो दोनों में फ्लेवर्स का डिफरेंस भी बहुत होगा और हेल्थ का डिफरेंस भी बहुत होगा। हम जितना ज़्यादा चाय पत्ती को पकाते हैं वो उतनी ज़्यादा हार्मफुल होती जाती है हमारी हेल्थ के लिए, तो हमें चाय पत्ती को कम से कम पकाना है एंड हमें ट्राई करना है कि हम बॉयल मिल्क ही लें ऑलवेज एंड वार्म हो वो या फिर थोड़ा गर्म हो तो ज़्यादा जल्दी काम होगा। अगर आपका दूध ठंडा है, जैसे मैंने ठंडा दूध यूज़ किया था, तो उसके लिए मैंने 4 मिनट आपको फ्लेम ऑन करने के लिए कहा, तो आप इन अ केस आप ये कर सकते हैं। सो लेट्स रिमूव, बी केयरफुल एंड सी, वो अपने स्टीम से ही अच्छे से कुक हो चुका है। मैंने 4 मिनट इसको फ्लेम ऑन किया था एंड दोनों में कलर्स का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है एंड सी, मैंने चाय पत्ती भी दोनों में ऑलमोस्ट इक्वली डाली थी। सो लेट मी शो यू द फाइनल रिजल्ट एंड द लास्ट स्टेप रिमेन। अब हम डालेंगे हनी अकॉर्डिंग टू आर टेस्ट, वैसे 1 स्पून इज इनफ। वो अच्छे से घुल गया है, एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, एक डार्कर है इन कलर, एक लाइटर है, एक अच्छे से कुक्ड हुई है ऑन फ्लेम, एक अच्छे से कुक्ड हुई है ऑन स्टीम।
दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये शुगर कंटेनिंग है एंड ये हनी कंटेनिंग है। वो ही हेल्थ के लिए बहुत ही एक अलग इफ़ेक्ट देते हैं दोनों अपनी अपनी जगह। एंड ये देखिए हमने दोनों में सेम क्वांटिटी डाली थी, इसमें भी हमने हाफ कप वाटर एंड हाफ कप मिल्क डाला था एंड सेम फॉर दिस, बट ये पक पक के हाफ हो गई है एंड ये अपनी क्वांटिटी फिर भी मेंटेन कर रही है। तो हम अगर हम इसे ज़्यादा पकाएंगे, अगर हम पानी को, अगर हम दूध को, किसी भी चीज़ को, दोनों में से चाय पत्ती वाले पानी को पकाते हैं या फाइनल जो प्रोडक्ट है जब उसको आने से पहले हम अच्छे से कुक करते हैं तो वो ये ले लेता है एंड दिस कंटेन मोर कैफीन देन दिस, उतना कैफीन, एंड ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है एंड वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है।